इस वीडियो का टॉपिक है वर्ड प्रॉब्लम ऑन परसेंटेजेस। परसेंटेज के ऊपर कुछ वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। पहला प्रॉब्लम देखते हैं। अ स्टोर वॉज हैविंग अ सेल एंड हैड अ शर्ट फॉर 3/4 इट्स नॉर्मल प्राइस। एक स्टोर पे सेल लगी हुई थी और एक शर्ट की कीमत उसकी जो ओरिजिनल या नॉर्मल प्राइस है उसका 3/4 था उसकी प्राइस अब सेल के बाद। द शर्ट इज़ व्हाट परसेंट ऑफ इट्स नॉर्मल प्राइस। तो अब हमने इसका परसेंट फाइंड करना है कि अब सेल के बाद कितना परसेंट इसकी प्राइस बन जाती है नॉर्मल प्राइस के हिसाब से। यानी कि हमने क्या करना है, जो 3/4 फ्रैक्शन है इसको परसेंटेज में तब्दील करना है। तो फ्रैक्शन है हमारे पास 3/4 और इसको परसेंटेज में कैसे तब्दील करेंगे, इसको परसेंट की शक्ल में लिखने के लिए हमें यहाँ इसके साथ परसेंटेज का निशान चाहिए। और इस परसेंटेज के निशान का क्या मतलब था, ये किसकी जगह पे हम लिखते हैं, ये असल में इक्वल होता है 1/100 यानी डिवाइड बाई 100 की जगह पे हम लिखते हैं परसेंटेज। तो हमें यहाँ पे डिनोमिनेटर में 100 चाहिए। तो ये परसेंटेज फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे सामने फ्रैक्शन है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 100/100 से। 100/100 से हम क्यों मल्टीप्लाई करें, क्योंकि हमने परसेंट फाइंड करना है और परसेंट फाइंड करने के लिए हमें डिनोमिनेटर में 100 चाहिए। और जब डिनोमिनेटर में 100 लिखेंगे तो न्यूमरेटर में भी 100 लिखना होता है ताकि ये बैलेंस रहे, क्योंकि 100/100 किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। तो 3/4 को 1 से मल्टीप्लाई करने से इस ओरिजिनल नंबर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब हम क्या करेंगे, 3/4 इसको लिख लेते हैं दोबारा, और ये डिनोमिनेटर में जो 100 है अब हम इसको लिख सकते हैं न्यूमरेटर वाले 100 को अलग करके। और ये जो फ्रैक्शन है हमारे सामने 100/100 इसको अब मैं लिख रही हूँ यूनिट फ्रैक्शन की शक्ल में। यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है, जिसका न्यूमरेटर 1 हो। न्यूमरेटर को हमने अलग कर लिया यहाँ पे 100 और मल्टीप्लाई बाई 1/100 कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 3/4 मल्टीप्लाई बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 1/100 किसके इक्वल है, परसेंट के इक्वल है, सॉरी परसेंटेज से पहले हमें मल्टीप्लिकेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो अब मल्टीप्लाई बाई 1/100 की जगह हम लिखते हैं परसेंट का निशान। तो ये 3/4 मल्टीप्लाई बाई 100%। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 100 4 के टेबल में जाता है, 4 1s are 4 और 4 25s are 100। अब 3 को 25 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, 75। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 75। इसका मतलब कितना परसेंट सेल है, 75% उस शर्ट के ऊपर सेल है। तो अब इसी चीज़ को हम वर्ड्स में लिखते हैं, द शर्ट इज़ 75% ऑफ इट्स नॉर्मल प्राइस। जो शर्ट है वो इसके नॉर्मल प्राइस का कितना परसेंट है, अब 75%। एक और सवाल देखते हैं, साथ फिनिश्ड 50% ऑफ हिज होमवर्क इन एन आर। साथ एक घंटे में अपने होमवर्क का 50% ख़त्म कर देता है। फाइंड द होमवर्क ही फिनिश्ड इन फ्रैक्शन। तो एक घंटे में जितना उसने ख़त्म किया है उसको हमने फ्रैक्शन की सूरत में लिखना है। तो ये 50% है तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 50% यहाँ पे लिख लेती हूँ मैं। अब जैसे कि हम जानते हैं कि परसेंट का क्या मतलब है, परसेंट का मतलब होता है 1/100। परसेंट 1/100 को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो परसेंट का निशान है उसकी जगह पे मैं लिख सकती हूँ 1/100। तो अब इसको हम दोबारा लिखते हैं,
50 को एज इट इज लिखेंगे और मल्टीप्लिकेशन का निशान और साथ में 1/100। जब आपने परसेंट की जगह 1/100 लिखना है तो उस वक्त मल्टीप्लिकेशन का निशान ज़रूर लगाना है। परसेंट लिखते वक्त लगाने की ज़रूरत नहीं होती। जब परसेंट को इस तरह से फ्रैक्शन की सूरत में लिखेंगे तब आपने मल्टीप्लिकेशन ज़रूर लगाना है। अब इसको 50 को किस से मल्टीप्लाई करेंगे? 50 न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, 50/100। अब इस फ्रैक्शन को हम मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं। किस तरह से करेंगे? ये 0 और 0 आपस में कैंसिल हो जाएंगे और 5 1s are 5, 5 2s are 10, तो ये दोनों भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो पीछे क्या बचा? पीछे हमारे पास बचा 1/2, 1/2। तो इसका मतलब कितना पार्ट उसने अपने फ्रैक्शन का अपने होमवर्क का ख़त्म किया? 1/2 यानी हाफ पार्ट उसने ख़त्म किया। तो इस बात को हम सेंटेंस की सूरत में भी लिख लेते हैं, 7 फिनिश्ड हाफ ऑफ हिज होमवर्क इन एन आर। 7 ने एक घंटे में अपने होमवर्क का हाफ पार्ट ख़त्म कर लिया। एक और सवाल देखते हैं, अ रेसिपी रिक्वायर्स फिलिंग अप अ कप 1/10 फुल ऑफ मिल्क एंड द रेस्ट विथ वाटर। एक खाने की कोई रेसिपी है उसमें 1/10 कप जो है वो क्या होना चाहिए? दूध का होना चाहिए और बाकी पानी का होना चाहिए। व्हाट परसेंट ऑफ द कप इज़ मिल्क? तो हमने ये फाइंड करना है कि उस कप में दूध कितने परसेंट है। हमें ये तो पता है कि 1/10 उस कप में दूध है, तो 1/10 को यहाँ पे लिख लेते हैं। 1/10 को लिखने के बाद अब हमने फाइंड करना है कि 1/10 कितना परसेंट बनता है। तो परसेंट के लिए हमें क्या चाहिए? डिनोमिनेटर में 100 चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? जो हमारे पास फ्रैक्शन है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 100/100 से। इसके बाद ये हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें डिनोमिनेटर में 100 चाहिए। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लिखते हैं 1/10 एज इट इज़ लिख लेंगे, मल्टीप्लाई बाई 100 यानी न्यूमरेटर को अलग करके लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाई 1/100। अब ये एक यूनिट फ्रैक्शन बन गया और इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? परसेंट का निशान लिख सकते हैं। इसके लिए 1/10 को एज इट इज लिख लेंगे, 1/10 मल्टीप्लाई बाई 100 भी एज इट इज आ जाएगा और 1/100 की जगह हम लिख सकते हैं परसेंट। जब इसको फ्रैक्शन को परसेंट में तब्दील करना है तो उस वक्त हमें ये मल्टीप्लिकेशन का निशान यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट परसेंटेज का निशान लिख सकते हैं। अब जैसे कि हम यहाँ से देख सकते हैं कि ये 0 और ये 0 आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचा? 1/1 जो कि 1 के ही इक्वल है, और जब 1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये क्या है? उस कप में दूध है 10%। तो इसी बात को हम वर्ड्स की सूरत में लिख लेते हैं, 10% ऑफ द कप इस मिल्क, उसमें कप का 10% जो है वो दूध से भरा हुआ है। तो इस तरह से हम परसेंटेज से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं।